जी, चीन लगातार भारत को दबाव में रखने की रणनीति पर चल रहा है और अपनी मनमर्जी के हिसाब से वो चाहता है कि सीमा विवाद पर आगे बातचीत बढ़े। वहीं अगर हम चीन के आंतरिक हालात की बात करते हैं तो वहां भी विरोध के स्वर तो उठ ही रहे हैं। ऐसे में किस तरह से चीन के जो आंतरिक हालात हैं वो उनकी सीमाओं पर एक तरह से जनता का ध्यान भटाने की कोशिश हो रही है। देखिए, शी जिनपिंग तीसरे टर्म के राष्ट्रपति जब से चुने गए हैं उसके बाद से चीन में सामाजिक असंतोष काफ़ी बढ़ गया है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर के जो जिस तरह से राष्ट्रव्यापी विरोधी प्रदर्शन हुए हैं उससे चीन के राष्ट्रपति तिलमिला गए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि जनता के बीच उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो इस आक्रोश से चीन की जनता का ध्यान हटाने के लिए चीन ने भारत पर दबाव, सैनिक दबाव बढ़ाया ताकि चीन के लोग भारत के बारे में सोचें, अपने देश की घरेलू समस्याओं के बारे में कम सोचें। और इसी तरह एक राष्ट्रवादी, अपने को एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर वो पेश करना चाहते हैं, चीन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाले एकमात्र नेता के तौर पर अपने को पेश करके वो जनता के बीच अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन चीन की जो अंदरूनी राजनीति है वो शी जिनपिंग के लिए चिंताजनक बन गई है। उनका विरोध काफ़ी बढ़ चुका है, तो इस विरोध को कुचलने के लिए वो कई तरह के कदम उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ वो जनता का ध्यान हटाने के लिए जो दूसरे सामरिक मसले हैं चीन के, ताइवान है, हांगकांग है और भारत है, इन सभी के साथ वो विवाद का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है।